केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों किसानों बिल देश के किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हैं, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस लोगों को देश के किसानों को गुमराह कर रही है। लेकिन भाजपा का यह मानना है कि जब तीनों बिलों का फायदा किसान को पहुंचेगा तो वह कभी भी कांग्रेस या अन्य दलों के साथ समर्थन में नहीं आएंगे, न ही उनके पक्ष में कभी मतदान करेंगे। ये बात हिमाचल प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने सुजानपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी शुभम वर्मा, सुजानपुर भाजपा शहरी इकाई सचिव प्रकाश उड़िया, जिला परिषद सदस्य रंजीत सिंह, मंडल किसान मोर्चा उपाध्यक्ष महादेव विशेष रूप से उपस्थित रहे। वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने बताया कि पूरे प्रदेश से इस किसान बिल के समर्थन में 3 लाख किसानों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख हस्ताक्षर पूरे हो चुके हैं और जल्द ही इस अभियान को पूरा किया जाएगा। उन्होंने किसान बिल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है और इस बिल के बारे में गलत जानकारी उपलब्ध करवा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि ये तीन बिल जब तक लागू होंगे तो किसानों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब हम बाजार से कनक, दाल, चावल, सब्जी खरीदते हैं तो किसान का उत्पाद खरीदते हैं, ना कि उसकी भूमि को खरीद लेते हैं। इसी तरह जब हम बाजार में फल, फ्रूट इत्यादि खरीदते हैं तो हम बागवान की फसल खरीदते हैं, ना कि उसके पेड़ों के मालिक बन जाते हैं। यही तमाम बातें इस किसान बिल में है, लेकिन कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि MSP किसी कीमत पर लागू नहीं होगी, जिसके लिए सरकार सशक्त वार्ता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश किसान मोर्चा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर इस बिल के बारे में किसान वर्ग को जानकारी देगा, जिसकी शुरुआत सुजानपुर से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्र में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के निर्देशों पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है और इस बिल के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। सर, ओके सर। मैं देवेंद्र ठाकुर, कूनपुरी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश, और हमीरपुर पार्लियामेंट्री जो किसान मोर्चा है उसका मेरे पास प्रभार है, प्रभारी हूँ। मैं कल ही यहाँ हमीरपुर की जो सुजानपुर टिहरा विधानसभा सीट है यहाँ पहुँचा हूँ। 3 दिन के प्रवास पर हम गाँव में नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं। हम 3 बातों को लेकर के इस बेल्ट में आए हैं कि जो 3 कृषि विधेयक भारत सरकार ने जारी किए हैं, विधेयक जो लागू होने जा रहे हैं, इस पर जानकारी देने हम किसानों को पहुंचे हैं। इसमें हमारा ये कहना है कि तीनों कृषि विधेयक जो 70 साल में पहली बार किसी राष्ट्र की सरकार ने किसानों के हित में ये जारी किए हैं, इनसे इतना फ़ायदा किसान को होगा। और विपक्ष डरा है अगर ये किसान ये लागू हो गए तीनों विधेयक तो कभी भी देश का जो किसान है वो चुनाव में कांग्रेस या विपक्ष जो है देश के अंदर भाजपा का विरोधी दल उनकी तरफ मुड़ नहीं देखेगा। हिंदुस्तान और सूबे में सरकारें भाजपा की ही होंगी, इसलिए कुछ लोग दिल्ली में CPI कांग्रेस के विपक्ष के लोग बैठे हैं, मैं उन्हें किसान नहीं कहता, क्योंकि किसान खेतों में है देश का। देश के 130 करोड़ की आबादी का 80 करोड़ का किसान है वो हिंदुस्तान के खेतों में। हमने कहा कि विधेयक पास हुआ, इसमें 8 दौर की बात भारत के कृषि मंत्री ने इनसे की है, कुछ त्रुटियाँ रही होंगी, संशोधन के लिए बुलाया गया है। इनकी मांग थी कि MSP जारी रहे, भारत सरकार ने कहा हम लिखित देने को तैयार है, MSP जारी रहेगा, तो समय समय बढ़ता रहेगा और मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया भी। उसके बाद इन्होंने कहा कि अदालत डिस्प्यूट जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ना हो, सब जज सिविल अदालतें हों, भारत सरकार ने कहा हम लिखित देने को तैयार है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो कृषि विधेयक है इसमें जो कंपनियाँ हैं अगर उनको कृषि किसान का पैदावार गई तो किसान की जो ज़मीन है वो कंपनी के नाम होगी, ऐसा नहीं। हम गाँव में उदाहरण दे रहे हैं किसानों को कि अगर कोई किसान दूध बेचता है, गाय भैंस का दूध बेचता है, दूध जो खरीदता है वो दूध का मालिक होता है, लेकिन गाय और भैंस का मालिक किसान ही रहता है। अगर कोई बागवान सेब उगाता है, सेब बाज़ार में जाता है, हम सेब खरीदते हैं तो सेब खरीदने वाला मालिक बन गया सेब का, लेकिन सेब का जो पेड़ है बागवान का ही होगा, मालिक बागवान होगा। इसलिए जो खेत है भारत के अंदर उसका जो गेहूं है, धान है या गन्ना है, आलू है, वो कंपनी लेगी जब अच्छे दाम पर, उनकी मर्जी हो दे ना भी दे, मंडियाँ बरकरार रहेंगी। अगर वो उसको देगा तो उसका जो गेहूं है, गन्ना है, उसका मालिक कंपनी होगा, लेकिन खेत के मालिक किसान ही रहेंगे। ये भ्रामक प्रचार विपक्षी दल कर रहा है, ये मेरा कहना है। मैं हर गाँव में हम इस बारे में सटीक जानकारी किसानों को दे रहे हैं और किसानों ने जो हमें फीडबैक दिया है उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये कानून है, इसको जारी रखें, जारी लागू होना चाहिए। देश का जो मैक्सिमम
90% किसान इस हक में है और ये मोदी सरकार से धन्यवाद किया किसानों ने कि अच्छा प्रयास है, किसान के आजीवन करने का अच्छा प्रयास है। तो मैं हर क्षेत्र में यहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ जिला परिषद के सदस्य हैं कैप्टन नेता हैं राज हरियाल जी, उनका अच्छा रुतबा है इस विधानसभा सीट पर, और जिला के हमारे मीडिया प्रभारी हैं शुभम ठाकुर जी, किसान मोर्चा के मंडल महामंत्री हैं, ये टूर कर रहे हैं यहाँ। जिस तरह से जयराम जी की सरकार ने काम किया है, तो पहले धूमल जी ने बहुत अच्छे काम यहाँ किए हैं, अनुराग जी काम कर रहे हैं, तो ये सरकार अच्छा गठजोड़ काम यहाँ कर रही है, इसका इसलिए यहाँ आया हूँ। धन्यवाद। ये कार्यक्रम जो किसान मोर्चा के हमारे है यहाँ पदाधिकारी और सरियाल जी ने फिक्स किए हैं, अभी एक कार्यक्रम हम करके आए हैं, कौन सा गाँव पाँच नंबर वार्ड से ही हमने शुरू किया है, इसके बाद दो कार्यक्रम अभी क्षेत्र में और है, कल जो है आगे जंगल बैरी और उसके आगे तीन तीन कार्यक्रम दो एक दिन में यहाँ और होगा। राकेश शर्मा जी बबली बहुत अच्छे तेज तरार हैं और बड़े हर रोज़ आप देख रहे होंगे अखबार रेडियो और टीवी पे आ रहे हैं, किसान मोर्चा बहुत मजबूत हिमाचल में है और किसान मोर्चा का अच्छे लक्ष्य हिमाचल यही है कि भाजपा की जो सरकार है दोबारा सत्ता की दहलीज पर हम लाएँ, किसान मोर्चा इसके लिए दृढ़ संकल्प है। मोदी जी की सरकार ने 3 विधेयक पास किए, इसके लिए हम हिमाचल प्रदेश में 3 लाख हस्ताक्षर किसानों के करवा रहे हैं।